हेलो फ्रेंड्स, बकरांगी के बारे में बात कर लेते हैं। आईटी कंपनी है, स्मॉल कैप आईटी कंपनी, और लगातार लोअर सर्किट लगे जा रहा है पिछले कई सारे दिनों से। और अब बात करेंगे इसकी पूरी और डिटेल वीडियो है। 40 रुपये 55 पैसे क्लोजिंग थी इसकी, और लगभग 5% के समथिंग गिरी थी सर्किट लगातार। आज भी मार्केट कैप की बात करें तो 4000 करोड़ मार्केट कैप है इसकी, स्मॉल कैप कंपनी है। डिविडेंड डील ठीक है, ओके ओके, 0.62% की डिविडेंड डील है। इंडस्ट्री की P32 की है, ये महंगा मिल रहा है इंडस्ट्री की पीछे 69 की पी पर। और डिलीवरी आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार डिलीवरी हुई है, 71% की डिलीवरी। अब बात देख लेते हैं हमें कंपनी की परफॉर्मेंस की, तो एक साल में रिटर्न आपको देखेंगे 52% के रिटर्न, तो रिटर्न ठीक है, ओके ओके रिटर्न है। लेकिन अगर लंबी दूरी के रिटर्न देखेंगे तो देखेंगे काफ़ी दिनों से भाई डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। 515 रुपये का हाई है, 17 रुपये का लो है, और डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक भाई मुझे पसंद नहीं है, तो ये इस एस्पेक्ट में तो मेरा फेल हो गया है स्टॉक। और अब बात कर लेते हैं आगे कि काम क्या करती है। तो बकरांगी लिमिटेड टेक्नोलॉजी कंपनी है, विच ऑफर सोल्यूशंस अक्रॉस ई गवर्नमेंस प्रोजेक्ट्स एंड बकरांगी केंद्र, तो ये भाई इनका काम है, देख लेना आप। और अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो भाई पिछले 18 तक तो भाई काफ़ी ग्रोथ ठीक हुई थी, उसके बाद से आप देखेंगे 19-20 में ग्रोथ रेवेन्यू कम हुए हैं, और नेट इनकम भी आप देख लो कम हुई है। उससे पहले तक तो ग्रोथ ठीक थी, तो हो सकता है भाई आने वाले टाइम में अच्छी हो जाए ग्रोथ, लेकिन अभी तो भाई मुझे कोई ज़्यादा खास दिख नहीं रही ग्रोथ पिछले 2 साल से देखी जाए 19-20 में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़े हैं, जून सितंबर दिसंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्च के क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे मार्च 2020 वाले से, तो उससे तीनों क्वार्टरों में इनमें कम रेवेन्यू जनरेट हुए हैं। और वैसे आप देखोगे प्रॉफिट भी कम हुए हैं, जो मार्च वाला क्वार्टर था उससे पहले फिर भी थोड़ी ठीक थी परफॉर्मेंस इसकी। और अगर बात करें वही कंपनी में न्यूज़ क्या थी, तो न्यूज़ काफ़ी पहले की है, 2 वीक पहले की न्यूज़ है। बकरांगी एंटर करा था लॉन्च ऑफ डिजिटल टोटल हेल्थ केयर सर्विस ऑनलाइन स्पेस में, तो ये एक न्यूज़ थी इसके अंदर, तो काफ़ी पुरानी न्यूज़ हो रखी है, लेटेस्ट अभी कोई न्यूज़ थी नहीं। अब बात कर लेते हैं सीधे चार्ट पर, तो आप देख सकते हैं लगातार भाई लोअर सर्किट लग रहा है इसमें, उससे पहले अपर सर्किट लग रहा था। तो पर्सनली तो भाई मैं जिसमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगते हैं उन स्टॉकों को पसंद करता नहीं हूँ, क्योंकि जिनमें लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते हैं उनमें ऑपरेटर गेम खेलते रहते हैं, जब मर्जी होती है अपर सर्किट लगाते हैं, जब मर्जी होती है तो लोअर सर्किट लगा देते हैं। और अभी ये 200 DMA को भी भाई इसने तोड़ दिया है, तो वेट एंड वॉच करो, मैं तो भाई पसंद नहीं करता। आईटी कंपनी में अगर आपको जाना है तो आईटी कंपनी में अच्छी खासी कंपनियां पड़ी हुई हैं आईटी सेक्टर की, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, इंफोसिस, लार्ज कैप कंपनी है। मिड कैप में जाओगे तो माइंडट्री है, और भी अच्छी कंपनियां हैं, रूट मोबाइल हो गई, एफपीएस माइंड हो गई। और ज़्यादा स्मॉल कैप में जाओगे तो बिरला सॉफ्टवेयर है, और भी बी सॉफ्ट करके है, और केपी टेक्नोलॉजी है, मतलब अगर स्मॉल कैप में जाओगे तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और RSI इसकी 17 चली गई, तो भाई ओवर सोल्ड से भी और नीचे चली गई है, तो भाई मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा भाई ऐसे स्टॉक को करिए आप अवॉइड। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं भाई, आप रिस्की हैं ट्रेडर हैं, तो भाई आप खरीद सकते हैं CMP के आसपास, लेकिन भाई मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, तो ये आपकी मर्जी है भाई। आप रिस्क ले रहे हैं तो रिवार्ड भी आपको मिल सकता है, और भाई अगर रिस्क नहीं लेना चाहते चैन की नींद सोना चाहते हैं मेरे जैसे, तो भाई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने स्टॉक पड़े हुए हैं 200-250 जहाँ पके पकाए स्टॉक खड़े हुए हैं, मल्टीवैगर ब्लू चिप, तो भाई इस स्टॉक में पैसे फंसा के क्यों भाई टेंशन लेनी। और यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है, बाकी ये आपकी मर्जी है और आपका पैसा है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।